चैप्टर 1 पार्ट 8 रावणी, जिसका शीर्षक है राजा का हिस्सा। इस कहानी में एक प्रजा वत्सल राजा है, मतलब जो प्रजा के प्रति दया भावना रखता है, उनके प्रति जो है स्नेह की भावना रखता है। राजा जो है प्रजा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और हमेशा उनकी मदद करता है। इस कहानी में जो राजा है उसका नाम है राजा भोज। तो राजा भोज बड़े प्रजा वत्सल थे। राजा भोज बड़े प्रजा वत्सल थे। प्रजा वत्सल मतलब जो प्रजा के प्रति प्यार की भावना रखता हो, प्रजा प्रेमी। वे स्वयं राज्य में घूम घूमकर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। यथासंभव मतलब यानी जितना हो सके, जितना जो संभव हो सके, यथासंभव जो संभव हो सके। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण मतलब घूमना। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। यानी राजा जब अपनी रानी के साथ रथ पे, रथ पहले के जमाने में रथ होते थे और उसपे जो है आगे घोड़े लगे हुए होते थे और उस पर सवार होकर जो है राजा या रानी लोग जो है बाहर घूमा करते थे। तो जब वो बाहर निकले तो वो गांव की तरफ निकल गए और उन्होंने क्या देखा कि एक खेत में किसान जो है हल चला रहा है और हल में जो है जो हल है उसमें बैल, वैसे तो बैल जुड़े हुए होते हैं, बैलों की, दो बैलों की जुड़ी होती है, लेकिन उसमें एक बैल जुड़ा हुआ था और एक उसकी जो किसान की पत्नी थी वो अलग जुड़ी हुई थी, उसके साथ हल खींच रही थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम्हें यह क्या तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? भले आदमी मतलब जेंटलमैन, जो अच्छा सज्जन व्यक्ति, कि अत्याचार मतलब यानी जुल्म करना, परेशान करना। तो राजा उससे पूछता है किसान से कि तुम ये अत्याचार क्यों कर रहे हो? कहीं अपनी स्त्री को, स्त्री यानी वाइफ को हल में जोता जाता है? तो फिर किसान कहता है, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, अगर खेत ना जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। पुनः मतलब दोबारा कहता है कि मेरा जो मेरे पास दो बैल थे उसमें से एक बैल जो है मर गया, तो बचा एक बैल। फिर एक बैल से तो खेती नहीं होती है, तो इसलिए उसने अपनी पत्नी को उसमें बैल के साथ लगा दिया। अगर नहीं लगाता तो उसकी खेती नहीं होती, उसका हर खेत जो है देख जुटता और वो फिर खेती नहीं होती, फसल नहीं होती, और फसल नहीं होती तो क्या करता वो क्या खाता? उसके लिए भोजन चाहिए ना, तो अनाज चाहिए, तो अनाज के लिए तो उसको खेती करनी पड़ेगी। इसलिए वह जो है अपने पत्नी को उसमें हल में जोता था, उसने जोता था। फिर उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? किसान को नहीं पता था कि उसके साथ जो बात कर रहा है वो कौन है। तो राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा ने उसको रोक कर कहा कि अरे भाई मेरी बात तो सुन लो, जरा सुनो तो। किसान कहता है कि जो भी कहना है मेरे साथ चलते हुए, मैं जोत रहा हूँ, सबको जोत रहा हूँ खेत को, और मेरे साथ चलते हुए कहो और बीच में मेरा काम मत रोको, यानी मुझे रोककर मेरा काम क्यों रोकते हो? राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए, यानी किसान को उसके
तो कहते हैं भले आदमी मतलब जन्म में किस प्रकार को हमारी पत्नी जो है वो काम करते करते थक जाएगी और थकावट की वजह से उसको कोई दूसरा काम वो नहीं कर सकेगी, क्योंकि हल को खींचना बहुत मेहनत का काम है। तो किसान जो है उसकी पत्नी हल को खींच रही थी, वो थक जाएगी ना, थकना यानी टायर्ड होना। किसान बोला तो फिर तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। फिर किसान बोलता है राजा से कि तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूँ, कोई उपाय हो तो मुझे बताओ। राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला राजा ने जब उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना एक बैल दे दूंगा। फिर किसान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा काम रुक जाएगा, और मेरा काम रुक जाएगा तो मुझे देर हो जाएगी, इससे अच्छा है कि तुम ही अपना बैल मुझे ला के दे दो। फिर अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हक में झुकूंगा, राजा ने कहा। फिर राजा कहता है कि अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें उपाय कि तुम्हें क्या करना है। तुम ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को मेरे रथ के पास भेज दो, वहां मेरी पत्नी है और वो मेरी पत्नी से बोलेगी मुझे बैल दे दो, तो वो बैल उसको दे देगी, और जब तक वो जाती है तब तक मैं उसकी तुम्हारी पत्नी की जगह जो है हल में झुकूंगा। किसान इस बात पर राजी हो गया, राजी मतलब मान गया। राजा बोझ हल में झुक गए, और राजा बोझ क्या हुए, वो उसकी पत्नी की जगह पे हल में झुक गए, और किसान की पत्नी रथ के पास चले गए। उसने रानी को सारी बात बता दी, और किसान की पत्नी रथ के पास जहाँ पर राजा की रानी थी वहां उसके पास जाकर उसने सारा हाल बता दिया, जो भी बातचीत किसान और राजा के बीच में हुई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची, किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया, तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। जब किसान की पत्नी ने रानी को सारी बात बताई तो रानी की पत्नी ने उसकी पूरी बात सुनकर कहा कि तुम्हारा बैल जो है वो तो बहुत ही कमजोर है, शरीर से वीक है, तो वो मेरे जो तंदुरुस्त बैल है मेरे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इससे अच्छा है तुम मेरे दोनों ही बैल साथ में ले जाओ। और रानी ने अपने दोनों बैल किसान की पत्नी को दे दिए, और वो किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर गई, जिससे वो देखकर कि दो बैल हैं तो किसान जो है बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, और उसने राजा भोज से कहा। फिर राजा भोज ने उससे कहा कि अगर कोई परेशानी हो दिक्कत हो तो मेरे पास आना, यह कहकर उसने अपना परिचय बताया। राजा कौन था, परिचय उसका क्या था कि राजा वो एक राजा था, जो है राजा भोज एक राजा थे, यह सोचकर कि वो एक राजा है यह सुनकर जो किसान था वो शर्मिंदा हो गया, उसको बहुत शर्म आई, उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। फिर उसने क्या किया, उसने राजा से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी, राजा खुश हो गए और वो वापस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे, किसान बहुत प्रसन्न हुआ। फिर अपनी गलती की जब राजा शर्मिंदा हो जाता, वो किसान शर्मिंदा हो जाता है, वो क्या करता है उससे माफी मांगता है, और फिर राजा चले जाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद जब फसल होती है अच्छी, और फसल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, फिर जब देखता है जहाँ तक राजा जी भोज वो हल में जोते हुए थे, जहाँ तक उन्होंने जोता था वहाँ तक खेती की जगह गेहूं की जगह क्या हुआ था, मोती उगे हुए थे, और जो
जहां पर बाकी जो खेत थे, बाकी खेत के हिस्से में उम्दा किस्म में मतलब बहुत अच्छी प्रकार के गेहूं हुए थे। यह सब देखकर वो राजा जो है, किसान जो है, बहुत प्रसन्न होता है, यानी खुश हो जाता है। किसान ने सारी पत्ती इकट्ठे की और राजा भोज के पास जा पहुंचा। फिर किसान क्या करता है, वो सारी पत्ती इकट्ठे करता है और वो राजा भोज के पास जाता है। उसने सारी पत्ती राजा भोज के चरणों में रख दी, चरण मतलब पैर, और राजा को सारा किस्सा सब कह सुनाया। फिर राजा को उसने सारी बात बताई। राजा ने कहा, ये पत्ती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो। फिर राजा उसको बोलता है, ये तुम्हारी खेत में उगे इसलिए तुम्हारी नहीं, इस पर इसे तुम्हें अपने पास रखो। फिर किसान कहता है, नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है, मतलब ये आपके, आपने मेहनत की थी, आपने जोता था, इसलिए ये आपके परिश्रम का ये फल है, इसलिए मैं आप इसे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि इस पर मेरा हक नहीं है, क्योंकि मेहनत तो आपने की थी, तो मैं हक मेरा कैसे हो सकता है। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि आप ये राजकोष में जमा कर दो और गरीबों की भलाई के लिए काम में लो। ऐसी कृष्णा ने प्रार्थना की। फिर किसान ने राजा भोज से प्रार्थना करता है कि जी आप राजकोष में खजाना, जो राजा का खजाना होता है, उसमें जमा करवाने के लिए बोलता है और कहता है इसको गरीबों की भलाई के लिए आप इस्तेमाल करो। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। जब किसान इस तरह से बोलता है तो राजा जो है बहुत खुश हो जाते हैं और वो मोती स्वीकार कर लिए।